रहेगी आज थोड़ा सा प्री ओपन तो रिलेटिवली बेटर है जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था उसके मुकाबले। ध्यान रखिए हमारी मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ये पहला रेट निफ्टी के 22,372 80 पॉइंट नीचे, अब करीब करीब हम सपोर्ट जोन में जा रहे हैं। बैंक निफ्टी 47,400 पर 150 पॉइंट नीचे इस समय, और निफ्टी आईटी करीब 150 पॉइंट नीचे, आधा परसेंट का मूव यहाँ पर। ये ऑब्वियसली नैस्डैक का इंपैक्ट है, लेकिन अब निफ्टी भी ठीक ठाक गिरा है 22,373 पर। मिड कैप इंडेक्स अभी के लिए 1/3% नीचे, करीब करीब आधा परसेंट। स्मॉल कैप इंडेक्स लेकिन फ्लैट है और बहुत जल्दी शायद ग्रीन में भी आने की तैयारी कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए अच्छा है, 900 बढ़ने वाले शेयर, करीब 700 गिरने वाले शेयर इस समय। तो ठीक ठाक शुरुआत हुई है मार्केट की, ऐसा कुछ खराब नहीं। खासतौर से बैंक निफ्टी देखिए उस जोन को डिफेंड कर रहा है, ऑलरेडी 47,400 के आसपास आ चुका है। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, यहाँ पर पूरा रेड है एक्सेप्ट CPSE और ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में ऑब्वियसली थोड़ा ONGC का इंपैक्ट रहा होगा। ऑटोज में गिरावट है, PSU बैंकों में गिरावट है, फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट है, FMCG में गिरावट है, फार्मा में हल्की सी गिरावट है, निफ्टी बैंक में हल्की सी गिरावट है। रियल एस्टेट आज थोड़ा हाई बीटा का इंपैक्ट यहाँ पर, ये एक्चुअली ज़्यादा गिरा है। FMCG में थोड़ा क्रूड का इंपैक्ट रहा होगा इसकी वजह से। निफ्टी लूजर्स लेकर आते हैं, उसके बाद गेनर्स पर आएंगे, फिर हीट मैप। सबसे ऊपर भारती एयरटेल 1.5% नीचे, बजाज ऑटो 1.5% नीचे, ब्रिटानिया यहाँ पर 1% की गिरावट। बाकी के निफ्टी लूजर्स लेकर आइए टाटा मोटर्स, ये थोड़ा टेस्ला का एक इंपैक्ट है भले, मतलब सेंटिमेंटल इंपैक्ट, 2/3% नीचे। BPCL क्रूड का इंपैक्ट और एशियन पेंट्स, ये भी क्रूड का इंपैक्ट, 3/4% नीचे इस समय। अब गेनर्स लेकर आइए, जो गेनर्स हैं अल्ट्राटेक सीमेंट ऑब्वियसली टॉप गेनर, 2% की रैली यहाँ पर। ONGC में रैली है और एक्सिस बैंक, ये भी करीब करीब 0.25% ऊपर आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। हीट मैप लेकर आइए, गेनर्स बहुत कम है, अल्ट्राटेक सीमेंट ONGC ये दोनों स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट में। एक्सिस, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस और पावर ग्रिड, और नीचे बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल्स, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाइटन, भारतीय एयरटेल। निफ्टी अब कुल मिलाकर 90 पॉइंट नीचे 22,363 पर। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स लेकर आते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5% ऊपर और एशियन पेंट्स नीचे। अल्ट्राटेक हमने ग्रीन में लिया था, एशियन पेंट्स रेड में लिया था न्यूज़ की वजह से। और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स भी लेकर आइए, ONGC और गेल लिए थे हमने दोनों, ONGC करीब 0.25% ऊपर और गेल यहाँ पर भी करीब करीब 0.5% की रैली। लेकिन वीरू, मिड कैप्स में क्या हो रहा है, FNO में क्या इंटरेस्टिंग स्टॉक्स? जी हाँ, मिड कैप्स में एज ऑफ नाउ जो जो इंटरेस्टिंग स्टॉक है, अनुज एक तो आपने जो स्पॉटलाइट में आज ONGC का उल्लेख किया था, ONGC करीब करीब 1% ऊपर, यानी इस दौर की फिर एक हाईएस्ट ट्रिप है। दैट मीन्स 13 मार्च के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। मुथूट फाइनेंस गोल्ड प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई 1577 आपकी स्क्रीन पे, ये ऑल टाइम हाई टच करता हुआ। सन टीवी मीडिया स्पेस में एक मूव अच्छा यहाँ पर है, हिटिंग इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद IEX में एक मूव है 3/4% ऊपर। ये जो सब मैं प्राइस बता रहा हूँ ना, कुछ विशेषता है इसमें, IEX अबव ऑल मूविंग एवरेजेस नाउ ये ट्रेड करता हुआ। फार्मा स्पेस से दो स्टॉक्स आके अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए, और उसमें है अरविंदो फार्मा करीब 1% ऊपर, और साथ ही साथ दिवीज लैब 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। दिवीज लैब याद रखिएगा अपनी लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ, और आज एक बार फिर से ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। इसकी प्राइस की इंपॉर्टेंस ये है। और बैंकिंग में आज एक ओवरसोल्ड स्टॉक एक्सिस बैंक, जरा स्क्रीन पे रखिएगा, ओवरसोल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक ही इसने अपना 200 डे एक्सपेंशन में गिरावट हुआ था, आज एक पुल बैक मोड में 1061 को स्ट्राइक करता हुआ। दोनों गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ मुथूट मन्नापुरम अच्छा करती हुई, और श्रीराम फाइनेंस ये भी करीब करीब 1% ऊपर। अनुज बिल्कुल, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज अच्छा मोमेंटम है, लेकिन अभी निफ्टी पर जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिए इसको, लेकिन जोन में आने की तैयारी कर रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक भी। अब यहाँ से देखते हैं एक स्विंग आपको पॉजिटिव साइड की मिलेगी या नहीं। मुथूट फाइनेंस लेकर आइए, मुथूट फाइनेंस इस समय अब डे हाई पर आया, वो गोल्ड के प्राइसेस का इंपैक्ट यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है इस समय। और ABB लेकर आइए एक बजरा, ABB का शानदार मूव देखिए, 6500 के करीब अभी इस समय मोमेंटम अच्छा है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार अब क्विक सिंगल्स लेने की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि कहां पर आपको बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।